चारों तरफ हरियाली है, ठंडी सी हवा दस्तक दे रही है। जरा उठकर देखो नजारों को, एक प्यारी सी सुबह आपको शुभ दिवस कह रही है। सूरज उग चुका है, कलियां खिलखिला रही हैं, ये जयपुर की सुबह है जनाब, आपको अपने पास बुला रही है। जी हाँ, ये जयपुर की गुलाबी सुबह है और गुलाबी नगरी की इस गुलाबी सुबह में इस मौसम को निहारने के लिए हम आ चुके हैं मालवीय नगर के एक पार्क में। ये जो पार्क है ये हरियाली से सरोबार है, यहाँ तरह तरह के व्यायाम के लिए भी बहुत सी चीजें लगी हुई है और हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक और हमारे यूथ के भी सभी लोग यहाँ पर आए हैं और कुछ लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं। इन सब ने अपनी जिंदगी का इसको एक अहम हिस्सा बना लिया है। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे बातें करते हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जी हाँ, यही बात सार्थक सिद्ध होती है अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तो। पहला सुख निरोगी काया, तो रोग को दूर रखने के लिए हमें अपने आलस को त्यागना होगा। सुबह का घूमना लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर डालता है, इस बात को हम सभी को समझना होगा। जब दिन की शुरुआत किसी भी तरह के व्यायाम से की जाती है तो पूरा दिन स्फूर्ति से भरा रहता है, साथ ही मानसिक रूप से भी खुशी मिलती है। मॉर्निंग वॉक करने के फायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हरे पेड़ पौधों से निकलती प्राणवायु हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। हर मौसम की सुबह अपना अलग अंदाज लेकर आती है और उसमें किया गया शारीरिक व्यायाम ताजगी और स्फूर्ति जीवन में भर देता है। शारीरिक व्यायाम वो क्रिया है जो हमारे शरीर की हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति दिलाती है। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना कानों में मधुर रस भी घोलता है। आइए जानते हैं इस सुहानी सुबह में पार्क में आए लोगों से कि उनकी दिनचर्या में सुबह के व्यायाम और वॉक का कितना महत्व है। घूमने के बहुत फायदे हैं। घूमने से बीपी जो है कंट्रोल रहता है, डायबिटीज कंट्रोल रहती है और शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ सबके सब सुबह कम से कम जो है 30 मिनट वॉक करें, जो है उससे स्वास्थ्य के प्रति सब सचेत रहेंगे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य। मैं यहाँ इस पार्क में करीब पिछले 3-4 सालों से घूमने आ रहा हूँ। पहले मैं सर्विस करता था और मैं बैंक में चीफ मेजर था, तो मैं कभी घूमने नहीं आता था, लेकिन जब से मैं रिटायर हुआ और घूमने आने लगा हूँ 3-4 साल से, मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा नज़र आने लगा है। और मैं अपनी उम्र के सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि हमें सुबह घूमने आना चाहिए। इस समय जो अमृत बरसता है पेड़ों से और जितनी ठंडी हवा और जितनी हम सांस लेते हैं और जो हमारी हेल्थ को इससे जो फ़ायदा होता है और जो पूरे दिन हमारे को जो स्फूर्ति बनी रहती है और हमारा मस्तिष्क बिल्कुल ऊर्जावान रहता है, हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है। घूमने से बहुत आई एम वेरी फिट एंड फाइन फील करती हूँ मैं। मैंने नी रिप्लेसमेंट कराया, उसके बाद भी चलने का आराम है मेरे को। 17-18 साल हो गए वॉकिंग करते हुए। मॉर्निंग वॉक सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी और जो वर्किंग लाइफ स्टाइल हो गई उससे लोगों का फिजिकली वर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया। दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठना, कंप्यूटर के इससे काम करना, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने को थोड़ा सा सवेरे सिर्फ 1 घंटा चाहिए कि 1 घंटे के लिए अपन अगर मान लीजिए निकल जाए अपन, तो उसके लिए अपना शरीर जो है पूरे 23 घंटे एक तरह नींद भी अच्छी आएगी, पूरा 23 घंटे मतलब हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि सोना भी बहुत अच्छी ज़रूरी है, सोना भी एक लाइफ स्टाइल के लिए अपने इस काम के लिए ज़रूरी है। जब अपना सवेरे का वर्किंग
शरीर सही रहेगा तो अपन पूरा दिन अच्छी तरह से काम कर सकेंगे आगे अपनी बॉडी। और सबसे बड़ी बात है कि अपना अगर ये सवेरे की मॉर्निंग वॉक और ये रहती है तो एक जो है दवाइयों से सबसे बड़ी दूर हो जाएगा लोग वाक, अगर अपनी उसके फ्रेश हवा और फ्रेश उसकी तंदुरुस्ती में रहेगा तो मेडिसिन और इन चीज़ों की कम से कम उसको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए। समाज की आधी आबादी हमारी महिलाएं जो कि हमारे साथ हैं, यहाँ जुड़ी हुई हैं। और देखिए जीवन में जो महिलाओं का रोल है, हमारे घर में जो महिलाओं का रोल है, वो ये है कि भई पूरी जिम्मेदारियां वो निभाती हैं। हमारे घर की जो गृहिणी है वो खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने घर परिवार बुजुर्गों और बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती है। देखिए हमारे साथ आज यहाँ पर बहुत सी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर आकर कैसा फील करती हैं। मेरा नाम सुमन है और मुझे इतना अच्छा लगता है, पूरे दिन भर इतनी फुर्ती रहती है और ऐसा लगता है कि डेली करना चाहिए ताकि हमारी जो बीमारियाँ हैं वो सब दूर हो और जितना भी अपने ये बढ़ रहा है कैलेस्ट्रॉल उस वो कम हो जाएगा और फुर्ती रहेगी पूरे दिन भर और जितनी भी बीमारियाँ वो सब दूर होगी, करना चाहिए डेली। मेरा नाम सरला सेन है, मैं रोज़ आती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घुटनों में जॉइंटों में दर्द रहता था जो कम है और शरीर में भी थोड़ा फ़र्क है, वजन में भी थोड़ा फ़र्क है। यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन अच्छा निकलता है। काम में घर जाके बाद में करती हूँ, थोड़ा बहुत करके आ जाती हूँ, बाद में पूरा घर का काम भी अच्छे से हो जाता है, मेरा शरीर भी सही रहता है और पूरा दिन अपना अच्छा निकलता है। यहाँ जिस दिन नहीं आती हूँ उस दिन मेरा दिन आलस में ही निकलता है। यहाँ पार्क में बहुत अच्छा लगता है, इससे ये जो लगा दी एक्सरसाइज के इससे हमारा मन बहुत स्फूर्ति रहती है, शरीर भी सही रहता है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो इस पार्क में इस तरह के एक्सरसाइज के लगाए हैं। जी मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, शरीर बहुत हल्का सा हो जाता है और अच्छा लगता है। मेरा नाम शकुंतला शर्मा है, मैं रोज़ाना नहीं आ सकती हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम मेरा 7 बजे से है, अभी छुट्टियाँ हो रही हैं तो शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन आती हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता रहता है इधर पार्क में। और जो ये लगे हुए हैं एक्सरसाइज के, ये एक सराहनीय कदम है, इससे आम जनता को सुविधाएँ मुहैया कराई गई है जो बहुत ही अच्छा है, मजबूत बनता है मन और पूरे दिन स्वस्थ रहता है, शरीर बहुत ही हल्का महसूस किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज से छोटी मोटी बीमारियां भी दूर होती हैं। मेरा नाम मंजू गर्ग है और सुबह यहाँ पर ये सब आने लग गए हैं तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। व्यायाम घर पे नहीं कर पाते तो यहाँ आके ये लोग अपना व्यायाम कर लेते हैं और डायबिटीज से और अपना बीपी वो हाई रहता है उससे ये सबसे फ़ायदे होंगे इन लोगों को। इस पार्क में बच्चे भी अपनी मौज मस्ती में मशगूल हैं और क्यों न हो, गर्मी की छुट्टियों का इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। इन्हें व्यायाम करता देख ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। हम यहाँ पर रोज आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज लग रखी है, ये वाली सबसे अच्छी है, इससे मेरी हाइट भी लंबी हो गई है वो भी बहुत अच्छी है, उससे है ना पैरों की भी होती है, सारी एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत अच्छी है। मैं जब से छुट्टियाँ चालू हुई हैं मैं तब से आता हूँ, वैसे तो हम हर टाइम पढ़ाई करते रहते हैं, जब से ये लगे हैं तब से हम इसको करने के लिए आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है इसको करने पर। ये ट्विस्टिंग इसमें हमारी हाइट बढ़ जाती है, इससे अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है हाथों की और हम यहाँ पर सारे झूले अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करें।
चारों तरफ फैली हरियाली के बीच हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ साथी हैं जो कि योगासन भी कर रहे हैं। और इस योगासन की बात करते ही एक ही बात दिमाग में आती है, योग भगाए रोग। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस पक्ष में हैं कि हमें योग करना चाहिए और अपनी सेहत को बनाना चाहिए। योग के विषय में ही हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है भास्कर शर्मा जी, आइए इनसे बात करते हैं। हम 15 साल से नियमित इसी स्थान पे योगा करवा रहे हैं और हम जो योग करवाते हैं बीमारी के हिसाब से करवाते हैं, किस व्यक्ति की कौन सी बीमारी है उससे क्या क्या फ़ायदा होता है उसी हिसाब से कराते हैं। योग का मतलब है मानसिक एक प्रकार का कंट्रोल करना। जैसे सोना और चांदी को अग्नि से पवित्र किया जाता है, वैसे शरीर को योग के द्वारा पवित्र किया जाता है। योग से मानसिक बीमारियाँ ठीक होती है। जैसे भ्रमरी प्राणायाम है, ये माइग्रेन के लिए हम करवाते हैं। उज्जैयी प्राणायाम है, ये हर बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम हम करवाते हैं और नियमित। और हमारे यहाँ सब सीनियर सिटीजन योगा करने के लिए आते हैं और सभी के लाभ होता है। मैं 8-10 साल पहले माइग्रेन से पीड़ित थी और नाक भी बंद रहता था हमेशा, तो मैं योगा करने से, मैं अनुलोम विलोम करने से नाक बंद रहना बंद हो गया, ठीक हो गया, वो माइग्रेन ठीक हो गया योगा करने से। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, 6 बजे से 7:10 तक हम करते हैं रोज़। इसमें प्राणायाम है, लाफिंग एक्सरसाइजेज है, फिजिकल एक्सरसाइजेज है, आई एक्सरसाइज है सारा। तो इससे बिल्कुल सेहत ठीक रहती है, फिट रहती है और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो सकती इसको अगर रेगुलरली किया जाए तो। ये मेरा विचार है, मैं भी करता हूँ सारा। सब हमारे साथी जो हैं सब इस प्रोग्राम को करते हैं और उससे सबकी सेहत ठीक रहती है करीब। योगा और घूमना और एक्सरसाइज, ये पूरा इंक्लूसिव प्रोग्राम है जो इस गार्डन के अंदर बहुत समय से हो रहा है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। निरोग रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना प्रोग्राम इस तरह से बनाएं शरीर का जो है एक्टिविटी मेंटेन रहे, और एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम योगा भी करें, घूमें भी और साथ में अपने एक्सरसाइज भी करें। काफ़ी लंबे समय से मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ और सुबह घूमना मैंने महसूस किया है कि मेरे स्वास्थ्य में बहुत लाभप्रद है और इससे पूरा दिन है वो ऊर्जावान बना रहता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मैंने सब अच्छा किया, सुबह की शुरुआत अच्छी की मैंने, तो मेरा पूरा दिन है जो पूरा दिन ऊर्जावान बना रहता है। आजकल योगा भी जो है एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हम लोग यहाँ बैठ के पार्क में करते हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग साथी हैं जिन्होंने कई सालों से ये योगा सिस्टम यहाँ चालू कर रखा है और हम लोगों को जोड़ रखा है, इससे हमको लगता है कि हम लोगों की सेहत में काफ़ी फ़र्क है। बहुत अच्छा है, लोग बाग ये छोटे छोटे ग्रुप बना करके यहाँ योगा करते हैं, उनके साथ अगर जुड़ते हैं तो कम ज़रूरी नहीं है किसी योगा संस्था में जा कर के रह जाए, यहीं फ्रेश एयर के अंदर अपने को योगा करने को बहुत अच्छा साधन मिल जाता है, मॉर्निंग वॉक मिल जाती है। तो देखा आपने, आज हमने इस निराली सुबह को किस तरह से इंजॉय किया और हमने देखा किस तरह से लोग योग करके, सैर सपाटा करके अपनी सेहत को बना रहे हैं। तो इसी आशा के साथ आप भी अपनी सेहत को बनाएंगे और इस तरह के क्रियाकलापों में भाग लेंगे। फिर मिलेंगे नई सुबह के साथ।